हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेडमी नोट 12 प्रो प्लस 5G के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो स्टार्टिंग पे आपको सबसे पहले पता है कि क्या पॉइंट होता है हमारा, व्हाट इज इन द बॉक्स। बॉक्स में हमें सारी चीज़ें मिल जाती है सिवाय हेडफोन्स के। फोन मिलता है, चार्जर मिलता है, केबल मिलती है, केस मिलते हैं, प्रॉपर्टी पेपर्स मिलते हैं, सिम इजेक्टर टूल भी मिलता है। बॉक्स में हमें सारी चीज़ें दी गई है और बॉक्स में हमें एक भारी भरकम ब्रिक मिलती है, मतलब वो घर बांधने वाली ब्रिक नहीं। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कौन सी वाली ब्रिक मिलती है। बिल्ट इन क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है फ्रंट में और गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन वो बहुत अच्छा है। मतलब कि जो अगर आपका बाई चांस फ़ोन गिर गया ना तो वो ड्रॉप के टर्म से आपके फ़ोन को बचा के रखेगा। मतलब आपका फ़ोन है ना फूटेगा नहीं, फूटने के चांसेस बहुत कम हो गए। और इसमें पीछे भी ग्लास मिलता है और ये इसका जो वाइट कलर है ना, वाइट कलर वो बहुत अच्छा दिखता है। बहुत ऐसा लगता है प्लैटिनम है पीछे, प्लैटिनम इतना अच्छा है। प्लास्टिक फ्रेम्स तो ऑब्वियस सी बात है होते ही है 30,000 के नीचे। चलिए बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। 6.67 इंच का फुल HD प्लस पीरो एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। ये पीरो एमोलेड डिस्प्ले मतलब ज़्यादा अच्छे से कलर शो कर पाएगा और ज़्यादा मतलब विविड कलर शो कर पाएगा। कलरफुल डिस्प्ले, ब्राइट डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का फास्ट और मस्त मक्खन रिफ्रेश रेट है। 240 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट। आई होप कि ये 360 हर्ट्ज होता ना तो और ज़्यादा बेटर हो सकता था। 900 निट्स की ब्राइटनेस है, ये भी ठीक ठाक है। और हाँ गाइस, इस फोन में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं जो कि हाई रेज ऑडियो और डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं। और हमारा प्यारा हेडफोन जैक का गड्ढा भी साथ में हमें मिल जाता है। ये भी ज़्यादा होनी चाहिए थी क्योंकि आजकल हमें 1300 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, 1300, तो ये 900 निट्स थोड़ी सी कम हो जाती है। प्रोसेसर इसमें आता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 चिप जो कि 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है और काफ़ी ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट है। ये जो फ़ोन है ना, मतलब ये जो चिपसेट है ना, वो गेमिंग के लिए नहीं बनता लेकिन गेम हैंडल तो करता है। ये चिपसेट 200 मेगापिक्सल कैमरा सपोर्ट भी करता है ये चिपसेट, तो इसे भी ध्यान में रखना। ये जो हीट नहीं होता, सबसे अच्छी बात हीट नहीं होता और कम बैटरी का। बाकी इसमें बैटरी के नाम पे हमें जो बैटरी मिलती है वो है 4980 mAh की बैटरी मिलती है, 120 वॉट की चार्जिंग है। बैटरी और चार्जिंग ठीक है, बस इन्होंने 4980 mAh की जगह पूरा राउंड फिगर ही कर देते, 5000 mAh की बैटरी कर देते तो वो ज़्यादा बेटर हो सकता था। और 120 वॉट का हाइपर चार्ज तो है ही, आपके फ़ोन को हाइपर कर के चार्ज करेगा ये फ़ोन। इसमें रैम जो है वो LPDDR4X रैम है, UFS 2.2 की स्टोरेज है। कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, इसमें 10 5G बैंड्स आते हैं और ये भी काफ़ी ठीक ठाक नंबर है। वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.2 है और डुअल 4G वोल्टी वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी भी हमें काफ़ी अच्छी मिल जाती है। फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है और फेस अनलॉक का भी सपोर्ट है। लेकिन वाईफाई 6E होता ना और ब्लूटूथ 5.3 होता ना तो वो लेटेस्ट वाला काम हो जाता, क्योंकि ये दोनों लेटेस्ट है ना अभी मैंने जो बोले वो। खैर छोड़ो, कैमरे के बारे में बात करते हैं। इसमें 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जो कि OIS के साथ आता है और इसमें सैमसंग का HPX सेंसर मिलता है। ये इंडिया का पहला फ़ोन है जिसमें सैमसंग का HPX सेंसर मिलता है। ये नया सेंसर है सैमसंग की तरफ से। इसमें 8 मेगापिक्सल का वही अपना टिपिकल अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल का 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। और ये जो फ़ोन वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है 4K 30 FPS अपने रेयर कैमरा से और फ्रंट कैमरा से, वही हमेशा की तरह 1080 30 FPS और 60 FPS दोनों मिलते हैं हमें। एटलीस्ट 4K देना चाहिए ना। मोटोरोला का देखो, मोटोरोला कितना होशियार बन गया, 4K का सपोर्ट देता है फ्रंट कैमरा, इतना होशियार तुम्हें भी बनना है। प्राइस के बारे में बात करते हैं,
जो 8256 की प्राइस है वो है 29,999 एक रुपए की आप चॉकलेट खा सकते हैं। तो बाकी फोन की प्राइस अच्छी है और जो 12256 की प्राइस है वो है 32,999 और यहाँ पे भी आप एक रुपए की चॉकलेट खा सकते हो, मैंने मना नहीं किया है। तो गाइस बस मैं आपको कंक्लूजन देता हूँ, ये जो फ़ोन है वो अच्छा है, इसका जो कैमरा है वो मुझे अच्छा लगा, बैटरी भी चार्जिंग भी अच्छी है, दोनों अच्छा है। बाकी इसका डिस्प्ले तो वो तो बवाल ही चीज़ है, बहुत अच्छा है। अपडेट्स तो मैंने आपको बताए ही नहीं, इसमें 2 साल के मेजर एंड्रॉयड अपडेट्स मिलेंगे आपको और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस, तो अपडेट्स भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे वाले मिल जाएंगे। बाकी इसमें MIUI 13 आता है जो कि एंड्रॉयड 12 पे बेस्ड है और जल्दी ही एंड्रॉयड 13 और MIUI 14 का अपडेट आ जाएगा, तो बस स्टे ट्यून्ड रहना उस अपडेट के लिए और इस नए वीडियो के लिए। तो बस गाइस यही था इस वीडियो के लिए, तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कुछ आपको हथियार मिल जाए तो सब्सक्राइब बटन को ठोक भी देना। बस यही था फिलहाल के लिए, बाय गाइस।